अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्या फायदा है अगर दूध हाथ से गिर गया एक बार जमीन पर, वापस नहीं उठाया जा सकता। इसी प्रकार से यदि एग्जाम आपका हो गया और उसके बाद आप रो रहे हैं कि हमने मेहनत नहीं करी, वो तो बिल्कुल बेकार है। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है उंगली, अंगुली। उंगली और अंगुली एक ही बात है। उंगली कहते हैं ये चार जो है उंगलियां हैं और एक ये अंगूठा। तो इन सब की अंग्रेजी अलग अलग होती है और आज ये मैंने अंग्रेजी बताई है कि हर उंगली की अंग्रेजी अलग होती है और अंगूठे की भी अलग होती है। तो ये चीज अंगुली की अंग्रेजी, केवल अंगुली की अंग्रेजी वो है फिंगर। हमारे अंगुली की अंग्रेजी फिंगर है। हाथ की उंगली की अंग्रेजी फिंगर होती है और पैर की उंगली की अंग्रेजी होती है टो, टी ओ ई। और ज्यादातर पैर के अंगूठे को बिग टो कह देते हैं, थोड़ा सा फर्क करने के लिए। वैसे अंग्रेजी पैर की अंगुली की और अंगूठे की एक ही होती है टो, टी ओ ई। अब देखें अंगुली की अंग्रेजी मैंने बताई फिंगर, अंगुली से इशारा करना, टू पॉइंट विद ए फिंगर टुवर्ड्स समबडी, किसी की तरफ उंगली से इशारा करना, टू पॉइंट विद ए फिंगर उंगली से इशारा करना। तर्जनी, तर्जनी उंगली जो होती है फोर फिंगर, ये वाली फोर फिंगर, तर्जनी उंगली की अंग्रेजी है फोर फिंगर। फोर माने आगे, एफ ओ आर ई, फोर फिंगर उंगली, तर्जनी। मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर मध्यमा को कहते हैं, बीच की उंगली, बीच की उंगली मिडिल फिंगर। रिंग फिंगर, जिसमें मेरे अंगूठी भी है, रिंग फिंगर कहलाती है। रिंग माने जिसमें रिंग पहनी जाती है, अंगूठी पहनी जाती है, ये रिंग फिंगर कहलाती है, जिसमें मैंने अंगूठी पहन भी रखी है, आप देख सकते हैं। और रिंग फिंगर के बाद है कनिष्ठिका, छोटी वाली उंगली, द लिटिल फिंगर। इस तरीके से चारों उंगली की अंग्रेजी अलग अलग होती है। तर्जनी सबसे आगे वाली फोर फिंगर ये, मिडिल फिंगर ये उसके बाद वाली मध्यमा कहलाती है, रिंग फिंगर उससे आगे की जिसमें मैंने अंगूठी पहन रखी है रिंग फिंगर कहलाती है। इसे हिंदी में अनामिका कहते हैं, अनामिका नाम की एक फिल्म भी आई थी। कनिष्ठिका छोटी वाली उंगली, ये वाली उंगली कनिष्ठिका, द लिटिल फिंगर ये सबसे आखिरी वाली छोटी सी छोटी वाली उंगली द लिटिल फिंगर कहलाती है। शी पॉइंटेड ए फिंगर एट द थीफ, उसने चोर की तरफ इशारा किया, इस उंगली से इशारा होता है, अर्थात तर्जनी से इशारा होता है फोर फिंगर से। देखें शी पॉइंटेड, उसने इशारा किया ए फिंगर एक उंगली से एट द थीफ चोर की तरफ। फिंगर का अर्थ केवल अंगुली ही नहीं, अंगुली से छूना भी फिंगर का अर्थ होता है, ये वर्ब भी है फिंगर। देखें शी फिंगर्ड द वेजिटेबल, शी फिंगर्ड ईडी और लगाइए, शी फिंगर्ड द वेजिटेबल, उसने उंगली से सब्जी को छुआ। कुछ भी चीज जैसे टॉय है, खिलौना है, छूकर देख लो, सब्जी है तो सब्जी तो सभी छूकर देखते हैं, फल भी सब छूकर देखते हैं। शी फिंगर्ड द फ्रूट, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, बगैर छुए या उंगली लगाए तो कुछ सब्जी तो देखते ही नहीं है। जैसे लौकी है तो लौकी को बगैर छुए तो कोई लेता नहीं है, कच्ची है या पक्की देखते। तो शी फिंगर्ड द वेजिटेबल, इस तरीके से किस जगह इसकी अंग्रेजी आएगी फिंगर की, तो मैंने बताया सब्जी छूने के लिए या कुछ और भी छूने के लिए फिंगर, फिंगर से छूना, उंगली से छूना फिंगर का अर्थ, अर्थात ये क्रिया भी है। टू हैव समथिंग एट फिंगर टिप्स, आपको पता ही फिंगर टिप्स कहलाते हैं, ये फिंगर टिप्स कहलाते हैं। तो कुछ लोगों को हर चीज फिंगर टिप्स पे याद होती है, जरा सी जवानी याद होती, कहने का मतलब ये
कि सारी की सारी अंग्रेजी और पहाड़े और गिनती वो सब की सब जवानी याद होती है। तो उसको कहते हैं जवानी याद को, टू हैव समथिंग एट फिंगर टिप्स, उसको सारी की सारी ये याद है, फिंगर टिप्स पर याद है। ही हैज हिस्ट्री ऑन हिज फिंगर टिप्स, उसको सारी हिस्ट्री जवानी याद है। तो टू हैव समथिंग एट फिंगर टिप्स, जवानी याद रखना, यानी जवानी याद रखना जवान पे होती है। ही हैज हिस्ट्री ऑन हिज फिंगर टिप्स, सारी हिस्ट्री उसकी फिंगर टिप्स पर जवानी याद है। टू हैव फिंगर इन एवरी पाई, हर बात में टांग घुसाना, अरे वो तो हर बात में शामिल है, देखें हर बात में लिप्त होना। टू हैव फिंगर इन एवरी पाई, शी लाइक्स टू हैव फिंगर इन एवरी पाई, हर बात में टांग घुसाने का काम, हर बात में लिप्त होने का शौक है उसे, उसे पसंद है ये बात। शी लाइक्स टू हैव फिंगर इन एवरी पाई, हर चीज में टांग घुसाने का शौक है, वो बहुत पसंद करती है इस बात को कि हर बात में वो शामिल हो। अब देखें फिंगर नेल माने क्या होता है, फिंगर नेल माने नाखून होते, ये आपको पता ही है। फिंगर प्रिंट निशान, उंगलियों के निशान। फिंगर टिप यानी उंगली का सिरा, फिंगर टिप ये कहलाते हैं फिंगर टिप। अब देखें टू पुट फिंगर ऑन, सटीक इशारा करना, सटीक। ही पुट फिंगर ऑन, उसने रखा, पुट मैंने रखना। ही पुट फिंगर ऑन आवर फाइनेंशियल ट्रबल, उन्होंने हमारी जो मुसीबत थी आर्थिक परेशानी, फाइनेंशियल ट्रबल आर्थिक परेशानी पर उसने उंगली रखी, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान हम इसी चीज से थे। उसने सटीक इशारा किया, बिल्कुल ठीक बताया उसने। ही पुट फिंगर ऑन आवर फाइनेंशियल ट्रबल, अर्थात उसने हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में सटीक इशारा किया, ठीक चीज बताई। ऋतिक रोशन है सिक्स फिंगर्स ऑन वन हैंड, ऋतिक रोशन एक ऐसा कलाकार है जिसके एक हाथ में छह उंगलियां हैं और वो छिपाता भी नहीं है इस बात को। ऋतिक रोशन है सिक्स फिंगर्स ऑन वन हैंड, एक हाथ में उसकी छह उंगली है, अर्थात पांच है ये कुल मिला के, उसकी छह हैं। ऋतिक रोशन है सिक्स फिंगर्स ऑन वन हैंड। अब देखें अगला, आई जस्ट कट माई फिंगर, मैं अपनी अंगूठा काट बैठा। आई जस्ट कट माई फिंगर, उंगली काट बैठा, फिंगर माने उंगली। आई जस्ट कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली। टो के बारे में पहले ही बता चुका हूं। अंगूठा, अंगूठे की अंग्रेजी होती है थंब, THUMB, थंब। बच्चा अंगूठा चूसता है, छोटे बच्चे अपना अंगूठा चूसते हैं। शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो शुरू शुरू में शिशु अवस्था में अपना अंगूठा न चूसता हो। द बेबी सक्स हिज थंब, अर्थात बच्चा अंगूठा चूसता है, हाथ का अंगूठा, कुछ तो पैर का अंगूठा भी चूस लेते शिशु अवस्था में। उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, ठेंगा, उसने मुझे ठेंगा दिखा दिया, ये तात्पर्य है। ही रिफ्यूज्ड मी, ठेंगा दिखा दिया, पॉइंट ब्लैंक, साफ साफ मना कर दिया, जब मुझे जरूरत पड़ी उसने मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड मी पॉइंट ब्लैंक, सीधे अंगूठा दिखा दिया, नहीं दूंगा, मना कर देना, कहने का मतलब यह है कि मना कर देना साफ साफ। ही रिफ्यूज्ड मी पॉइंट ब्लैंक, अर्थात उसने साफ साफ मना कर दिया, उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। थंब नेल, पैर के थंब नेल, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का जो नाखून है वो थंब नेल कहलाता है। थंब इंप्रेशन, अंगूठे का इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन, अंगूठे का इंप्रेशन यानी छाप, थंब प्रिंट, ये भी इसकी भी हिंदी यही होती है, अर्थात दोनों की हिंदी अंगूठे की छाप है। अब देखें
अंगूठा थम माने क्या होता है, थम माने होता है अंगूठा लगाकर पेज पलटना, ये क्रिया भी है, जैसे फिंगर सी ऐसी थम भी क्रिया है। अंगूठा लगाकर इस तरीके से हम जो पेज पलटते हैं ना, अंगूठा लगाकर, अंगूठा लगा लिया पेज पलट दिया, या अंगूठे से पेज, उंगली से पेज पलटते, तो अंगूठे का इस्तेमाल जब हम करते हैं, अंगूठा लगाकर पेज पलटना, तो इससे पेज थोड़ा सा गंदा भी हो जाता है। शी वाज थम्बिंग थ्रू द डिक्शनरी, वो शब्दकोश के, डिक्शनरी माने शब्दकोश, वह शब्दकोश के पेज पलट रही थी अंगूठा लगाकर। शी वाज थम्बिंग थ्रू द डिक्शनरी। थम्स अप माने क्या होता है, ये आपने देखा ही होगा, थम्स अप बिकता है आजकल तो बहुत बिक रहा है गर्मी में, थम्स अप, तो इसमें अंगूठा दिखाते भी हैं लेकिन स्पेलिंग अलग है, उसमें बी नहीं है, थम्स अप, उसमें ध्यान से देखें थम्स अप है, THUMS, थम्स अप, लेकिन उसमें बी नहीं है, थम्स अप है वो, तो इसमें स्पेलिंग का अंतर है। इसमें बी अगर लगाएंगे हम थम्स अप यानी अंगूठे वाला थम्स अप, तो शाबाश हिंदी बैठेगी इसकी, शाबाश। ही गेव मी द थम्स अप, उन्होंने मुझे, उसने मुझे शाबाश कहा, शाबाशी दी। ही गेव मी थम्स अप, और ज्यादातर वो पीठ पर दी जाती है, शाबाश। थम टैक माने कील होती है, दीवार पर, जो दीवार होती है उस पर कील, जिस पर होठ टांगते हैं, कील थम टैक कहलाती है, कील। ही हंग द पिक्चर ऑन द वॉल विद थम टैक, अर्थात उसने कील से दीवार पर तस्वीर टांग दी, ही हंग टांग दी, ही हंग द पिक्चर ऑन द वॉल विद थम टैक। अब देखें अंडर समबडीज थम, किसी के अंगूठे के नीचे काम करना, अंगूठे के नीचे किसी के वश में होना, अंगूठे के नीचे काम करना। देखें अंडर समबडीज थम की मुट्ठी में होना, के वश में होना, शी इज कंप्लीटली अंडर हर हस्बैंड्स थम, वो अपने पति के पूरी तरह मुट्ठी में है, पूरी तरह वश में है, शी इज कंप्लीटली अंडर हर हस्बैंड्स थम, वो पूरी तरीके से अपने पति की मुट्ठी में है, वश में है। अब देखें आखिरी सेंटेंस, जो बहुत प्रसिद्ध सेंटेंस माना जाता है, एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दे दिया, कितना प्रसिद्ध सेंटेंस है ये, एकलव्य ने वाकई में गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट कर दे दिया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा ही मांगा था। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दे दिया, एकलव्य गेव, दे दिया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एकलव्य गेव हिज थम एज गुरु दक्षिणा, दक्षिणा की अंग्रेजी वैसे ऑफरिंग होगी लेकिन इसको इस जगह यही उचित है कि दक्षिणा शब्द का इस्तेमाल किया जाए, वैसे दक्षिणा का अर्थ है ऑफरिंग, अंग्रेजी में ऑफरिंग कहा जाएगा, एज गुरु दक्षिणा टू द्रोणाचार्य, एकलव्य गेव हिज थम एज गुरु दक्षिणा टू द्रोणाचार्य, एकलव्य ने द्रोणाचार्य को, अपने गुरु को जिनको वो गुरु मानता था, सीखी नहीं थी धनुर्विद्या उनसे लेकिन मानता गुरु था, उनकी तस्वीर लगाकर उनकी पूजा करता था, उनकी छोटी सी मूर्ति बना करके और उससे सीखता था धनुर्विद्या, इतनी श्रद्धा थी द्रोणाचार्य के प्रति। एकलव्य गेव हिज थम एज गुरु दक्षिणा टू द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर उसके रूप गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। तो ये सेंटेंस बड़ा प्यारा सेंटेंस है, और मैंने बहुत सारे और भी चीजें दी हैं जो आपको अभी तक नहीं पता होंगी, वो चीज मैंने इसमें बताने की कोशिश की है कि अंगुली से, पैर की उंगली हो या हाथ की उंगली हो, और अंगूठे से, और उनकी अंग्रेजी क्या होगी, यह आपने कहीं नहीं देखी होगी,
उसकी अंग्रेजी क्या होगी, यानी तर्जनी की, मध्यमा की, अनामिका की और कनिष्ठिका की, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ये आप इसमें जरूर ध्यानपूर्वक देखें, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।